कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो सो गाइस, आज है मदर्स डे और हमारी तरफ से हमारी इतनी मतलब कि माताएं हैं हमसे बड़े जो हैं उनको हैप्पी मदर्स डे ऑल फैमिली को। तो गाइस, आज हम थोड़ा सा सोचे मदर्स डे है तो हम ये नया सूट पहन रखा है, मैंने काफ़ी दिन से खरीद रखा था तो पहन लिया। मैंने बोला आज कुछ स्पेशल डे है तो कुछ तो बनता है। तो गाइस, सब कुछ काम वगैरह तो हो ही गया है। रिशा उधर आओ, और यहाँ आ गई हूँ लंच करने, सब लोग को देने। लंच निकालती हूँ और खाने जा रही हूँ। तो बच्चे हमारे कह रहे हैं कि मदर्स डे पे कहीं घूमने चलो। कहाँ चले? चलो बोलो सबको हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। आप भी बोलो। रिशा ये रिसियान है, मोबाइल मांग रहा है। मोबाइल मांग रहे। पहले हैप्पी मदर्स डे बोलो। हैप्पी मदर्स बोलो। चलो पहले खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस, हम लोग लंच कर लेते हैं। आप लोग अपने घर में अपने माताएं के साथ हैप्पी मदर्स डे मना रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग की ज़िंदगी में ऐसी खुशियां आती रहे। तो गाइस, हम लोग भी मनाएंगे, इसका ब्लॉग आएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मोबाइल का है। तो गाइस, ब्लॉग में बने रहिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. Start. मम्मी क्या बना रही हो? तो सो गाइस, मेरा ना घर का बूंदी जो बनाते हैं उसका मेरा बुनिया खाने का मन कर रहा है। तो घर में बेसन पड़ा था, देखिए यहाँ मैं बेसन को फेंट रही हूँ, ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा मोटा भी नहीं। देख सकते हैं कि इसमें से जैसे कि चम्मच लेते बताते हैं, एक चम्मच हो गया ज़्यादा। मैं पहले ट्राई ले पहली बार बना रही हूँ, देख सकते हैं इतना पतला होना चाहिए। इसको मैंने पानी से और थोड़ा सा एक चम्मच रिफाइंड डालकर अच्छे से फेंट रही हूँ। अब इसको मैं 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। इसका मैं बूंदी बनाऊंगी, पहले उसको मैं फेंट लेती हूँ, फिर इसको मैं बनाऊंगी, फिर उसको मैं सीरम पाकूंगी। पहले मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ, बन रहा है क्योंकि पहली बार बना रहे हैं, क्योंकि अब हलवाई की दुकान पर जाएंगे 150 इतने मिलेगा, इसे अच्छा घर पर ही बनाओ मिठाई खुद हलवाई जैसा बनाओ। बने रही ब्लॉग के अंदर, मदर डे बच्चों को भी बना कर खिला दे, लोग भी याद करेंगे। तो गाइस, मैंने बेसन को फेंट के रख लिया है और मैं आ गई हूँ, सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो हमने बोला चलिए कम से कम यहाँ पर मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने लेगी पहना था तो मैंने निकाल कर मैंने कुछ स्कर्ट टाइप का पहन लिया है, और क्योंकि उसमें बहुत गर्मी लग रही थी और लेगी रहता है चिपका रहता है। तो यहाँ मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। फैमिली इधर मम्मी पुनिया बना रही है, आप लोग जल्दी से देखिए, मुझे अभी मारा है। फैमिली यहाँ पर हमने इसको पाक रहे हैं, बुनिया इसको फेंट लिए थे, इसी तरह पतला कर इसमें डाल दिए हैं, इसको हम कर रहे हैं, छान रहे हैं। और फैमिली में मार्केट जा रही है इसलिए मम्मी इसका जल्दी से शूट कर दे रही। बाय फैमिली। तो गाइस, यहाँ पर हम सोनाक्षी मोबाइल शूट कर रही थी तो तुरंत पता नहीं क्यों अपने पापा के साथ बोली मुझे मार्केट चलना है, तो उसके पापा उसको मार्केट लेकर चले गए। यहाँ मैं अकेले ही शूट कर रही हूँ, और देखिए बेसन को मैंने उसको बूंदी पाक रही हूँ, पहली बार ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है, और अच्छा भी बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा सब दिखाएँगे, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आप लोग भी अपने घर में ऐसे बनाइए खाइए, मैंने पहली बार ट्राई किया, क्योंकि एक बार ना मेरी चाची बोल रही थी घर का बनाओगी ना खाओगी बड़ा स्वादिष्ट आता है, सोन सोन महकता है, तो हमने वो खुशबू मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जो घर पे बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको फ्राई कर रही हूँ, और ज़्यादा नहीं मतलब 2 कप बेसन का हमने बनाया था और फेंट के मैंने रख लिया था, जब वो फूल गया तो फिर उसके बाद खाने वाला सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा। तो गाइस, इसी तरह हमने सारी बूंदी छान लिया है और बहुत सोन सोन महक रहा है, और एक तरह हमने चाशनी रखी है, चाशनी में कलर डाल रखा है, और ये पक जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे। देखते हैं, पहली बार बना रहे हैं क्योंकि घर का सुनने में आया है बूंदी खाने में बहुत टेस्ट लगता है, मैं अपना फेस दिखाई नहीं रही हूँ। ट्राई करना चाहिए, जरूरी नहीं कि सारा मिठाई हलवा दुकान का बना हुआ था, कभी घर पर ऐसे आपको देखने को मिलता रहेगा बड़े रे ब्लॉक के अंदर। तो सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ मैंने बूंदी बना दिया है, और बिल्कुल देख सकते हैं एकदम लाइट लग रहा है, शाइनिंग मार रहा है, गर्म है अभी अभी किसी को दिए नहीं है खाने के लिए। और इसमें क्या है जो स्वीट कलर होता है ना, इसको मैं साइड रख देती हूँ क्योंकि गिर गया, जो स्वीट कलर होता है वो नहीं था,
तो मैंने कलर लाने के लिए ना अरे हल्दी पीली वाली डाल दी है, हल्दी तो पीला होता है। और सोनाक्षी भी मार्केट में पापा साथ गई, नहीं लेकर आई है, तो हमने सोचा कि अरे चलिए जल्दी से कर लेते हैं। और मेरे पास था लेकिन मैंने कहाँ रख दिया, खोजने पे भी नहीं मिल रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा बना है, हमें तो अच्छा लग रहा है, खाने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि बहुत गर्म है। चलिए सबको देंगे खाने के लिए, हमें तो बहुत टेस्ट लग रहा है देखने में। तो गाइस हमने खाना वगैरह बना लिया है, खाना बनाकर मैं फ्री हो गई हूँ। और काफ़ी दिन से मेरे ना पीछे से फिर दर्द होने लगा और हमें पता नहीं था, बच्चे के साथ मेरे पति डेली आकर गए थे मार्केट, बच्चे लोग केक खरीद कर आए हैं, बोले हैं मम्मी आप केक काट लो, इन लोग का हम इच्छा पूरा कर देते हैं। अब मेरा ना सच बताओ ना ब्लॉग वगैरह शूट करने का मन नहीं करता, डालने का मन कर रहा है, बहुत मजबूरी बच्चे एकदम की है तब मैं डाल रही हूँ, नहीं तो मेरा ना बिल्कुल एकदम जैसे कि आत्मा नहीं कर रहा है कि मैं डालूँ, क्योंकि मेरे पास अब मैं वो शब्द नहीं है कहने के लिए मैं क्या कहूँ, क्योंकि अब क्या बताएं। चलिए हम केक काटते हैं, यहाँ पर सोनाक्षी लगा दी है, क्या बोला फिट्टो को, फटाफट केक काटते हैं फिर हम लोग ब्लॉग को प्यार दीजिएगा, पसंद आएगा वीडियो का, नहीं पसंद आएगा तो मत प्यार दीजिएगा। मदर्स डे पे मैं बहुत उदास हूँ। आओ बच्चे ये सब रखो, तेल मसाले के निकाले इसको रखो जा बाहर, तेल मसाले वाली है। ये किंडर जो है, तो यहाँ देख सकते हैं बच्चे अपना सब लगा रहे हैं आइटम जो जो लाए हैं। दरवाजा बंद करो, ऐसे चल रहे हैं। अरे प्लेन में से जाओ, बच्चों की सुबह से ही इच्छा थी केक काटने के लिए, जाओ। तो मैं बोला कि इच्छा पूरी कर देते, ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता है, जो इच्छा है वो पूरी कर लेनी चाहिए, इच्छा को नहीं मार के रखना चाहिए। तो सोनाक्षी ट्रे लाई है, इसमें सजा रही है अपना, सजा रही है, पता नहीं क्या तेल गिर रहा है मेरे कपड़े पे। कैसा धुंधला सा आ रहा है जी तुम्हारे, कैमरा सही नहीं होगा तो क्या बोलूं, क्या बोलोगी बच्चों तो, के लिए कुछ बोलो बच्चे मैं, अपना बच्चों के लिए यही बोलूंगी पढ़े लिखे आगे बढ़े, माँ बाप का नाम रोशन करे, और हम जैसे मतलब एक मामूली इंसान है, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे इतना जाए कि हम लोग का भी भविष्य, माँ बाप का नाम रोशन करे, किस्मत बदले बच्चों की, माँ बाप का नाम रोशन करे। तो इनको भी दिखा देते हैं, ये खाना खा रहे हैं बैठ गए। ओहो हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। तो यहाँ केक काटते हैं, मम्मी का मुंह ये जो बना हुआ है इसमें कह रहा ऋषभ मम्मी का मुंह, ऐसे रील्स आप रील्स बना रहे होते हैं। तो यहाँ प्यार मोहब्बत हैप्पी मदर्स डे। रिसा हम लोग को नहीं खिलाओगे क्या, रिसा अपने खा रहा है। नहीं केक बहुत टेस्टी है, हमको भी कोई खिलाने वाला है कि हम वीडियो ही शूट करेंगे, मामूली सी वीडियो थी। और हम तो नहीं जानते, और घड़ी में भी देख सकते रात को 10:30 बज रहा है। सोनाक्षी हम लोग को सरप्राइज दे दी ना, हमें सोचे कि मार्केट गई पापा साहब, कब का गई थी, और हम लोग किधर पापा के साथ में वेट कर रही थी, चुप कोई से ले आकर चली गई, ये हम लोग को सरप्राइज। थैंक यू सो मच हमारे गिफ्ट देना पड़ता है क्या बच्चों को, ये हम लोग को दे दिया ऋषभ। आप क्या कहना चाहती हो, क्रिकेट पसंद है लो, थैंक यू सोनाक्षी, थैंक यू दादा मेरे को। अपनी मम्मा के लिए क्या कहना चाहती हो, हैप्पी मदर्स डे दोनों मम्मिया। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना जरूर बहुत, और सब लोग देखिए ये बच्चों की खुशी थी जो कि अच्छा लगा, जितना इन लोग की इस टाइम इतने अच्छे मतलब कितना अच्छा सोचे कि चलो हम लोग अपने जमाने में तो कुछ करते ही नहीं थे। बाप रे दुकान में बहुत भीड़ लगा यार, जिसको देखो कोई कह रहा माँ लिख दो, कोई कह रहा आई लव मॉम लिख दो, कोई कह रहा हैप्पी मदर्स डे लिख दो, कितना। अरे हम लोग हम आप लोग के लिए ना बूंदी बनाए थे सब गिफ्ट में। ऋषभ अपनी मम्मा के लिए क्या कहना चाहते हो, कुछ कहोगे बोलो, नहीं चलो गाइस। अच्छा बोल दो आई लव मम्मा, बोलो
नहीं बोलोगे केक खाए हो चॉकलेट खाए फादर से डे पे नहीं काटी तुम फादर से अगले महीने में जून में हाँ जून में काटेंगे काटेंगे दोनों लोग के लिए भाई हम देख रहे हैं तुम्हारे तो फादर डे पे नहीं काटी थी काटे रहे काटे तो थी वहाँ पर चौरी चौरी में काटी थी जो छत पे जो पापा को हम लोग दिए थे गिफ्ट नीचे नीचे जो मनाए थे हम लोग सोनाक्षी नीचे हम लोग मनाए थे जी पास करो ज्यादा मत या फिर पहले